कराची से आपको खबर देंगे जहां पर मलीर के हलके से उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची मलीर के हलका NA 229 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार जाम अब्दुल करीम जोकियो और PS 84 के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ मुर्तजा बलोच ने गडाब की यूसी शाह मुरीद के मुख्तलिफ गोठों का दौरा किया। अवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबार किया। सरदार जाम अब्दुल करीम जोकियो ने गडाब के गोटो हाको बरोही, नेक मोहम्मद बरोही, खैर मोहम्मद बरोही, उस्मान टुकरी और मुराद गोट के मौजूदीन और नौजवान से कॉर्नर मीटिंग्स की और मौजूदीन से मुलाकात की। इस मौके पर सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ने कहा कि आप सब की तरफ से मोहब्बत और इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इलेक्शन में कौमी और सूबाई सीट पर अपना वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे। सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ने कहा कि इंशाल्लाह कामयाब होकर आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। तमाम मौजूदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ने हर मुमकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिलवाकर तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखियो ने कहा कि मलीर जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला है जिसको कोई भी फतह नहीं कर सकता। मलीर की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुखालिफिन को शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हाकिम अहमद, नुमाइंदा सेंटर न्यूज, कराची।